अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी अलहरम गार्डन पे। ये सोसाइटी सेंट्रल पार्क के बिल्कुल साथ है, एक छोटी सी सोसाइटी है। और वो जो सामने आपको मीनार सा नज़र आ रहा है, और ये जो सारी साइड है ये सेंट्रल पार्क है। इसकी दीवार कह लें बिल्कुल सेंट्रल पार्क के साथ लगती है। अभी हम यहाँ पर एक घर देखने जा रहे हैं जो कि फॉर सेल है, उसको जाकर देखते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एक सोसाइटी की अमेनिटीज़ हैं वो आपको अच्छी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक रेट है वो कम है, और एक सस्ती चीज़ एक रीज़नेबल चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे आज हम कुछ ऑप्शंस देखने आए हैं। ये 3 मरला के अंदर फुली फर्निश्ड और ब्रांड न्यू है। यहाँ पे और भी सारी कटिंग 3 मरला की है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस साइड पर ये जो आपको मस्जिद में जिसकी बात पहले कर रहा था, ये सारा सेंट्रल पार्क है। और ये सेंट्रल पार्क का जो एक हॉस्पिटल है वो उस साइड पे है, और वहाँ से अगर आप आते हैं तो अंदर से भी इसको रास्ता आता है। और ये इस तरह से इसके सारे रोड हैं। अभी हम छोटा सा घर का टूर कर लेते हैं। फ्रंट जैसे आप एंटर होते हैं ये गैराज है, इधर एक छोटी गाड़ी आ सकती है, एक दो बाइक्स आ सकती हैं। ये ओपन एरिया है यहाँ पर, और जो इसके बाद ये आपको एंट्रेंस इसकी मिलती है। ये टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज में ऐसी सीढ़ियाँ आपको ऊपर जाते हुए मिलती हैं, और सामने आपको एक रूम इस तरह मिल जाता है। अभी लाइट यहाँ पे नहीं है, इस घर में वो कोई इशू लाइट का आ रहा था, तो ऊपर फॉल सीलिंग हुई भी है। यहाँ पे आपको ये सारा टीवी लाउंज मिलता है, और एक किचन है। ये किचन है जी ओपन, और सॉरी इस तरह से सेपरेट थोड़ा सा। किचन के अंदर भी बॉक्सेस वगैरह नहीं लगे, इस तरह का ओपन ही है। अभी ये सारा यहाँ पर मार्बल है, और जो रूम है उसके अंदर भी एक वाशरूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा वाशरूम और ये ओपन एरिया है, ये इस तरह वाशरूम है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये इसके अंदर काफ़ी अच्छी टाइल और चीज़ें वगैरह लगी हुई हैं। लाइट होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, बाकी पिक्चर्स वगैरह में आपको मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ना तो मैं चीज़ें आपको दिखा दूँगा। ये इसका है जी सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के ऊपर ब्लैक मार्बल और रेलिंग शेलिंग ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ऊपर जब आप आते हो तो यहाँ पे मार्बल नहीं है, ठीक है, ये सिंपल फ्लोर है। और ये मैंने सोचा आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँ, क्योंकि अभी ये जिनका ये घर है वो कह रहे हैं कि हमने अभी मार्बल लगाना है। अगर तो लगाएंगे तो इसकी थोड़ी सी जो वर्थ है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देंगे, और नहीं लगेंगे तो भी एग्जैक्ट जो प्राइस है ना वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। वैसे इसकी जो डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 60 लाख, ठीक है, तो निगोशिएबल है। अगर आपको ये जगह पसंद है और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बैठ के बात हो सकती है, जो भी इसका ओनर है उसके साथ मीटिंग। बाकी ये ओपन एरिया है, थोड़ा सा बाहर आपको इस तरह शेड मिलता है, और ऊपर आपको इस तरह एक ये रूम मिलता है, थोड़ा सा टीवी लाउंज मिल जाता है, और ये एक आपको ये रूम मिलता है। इसमें जो वाशरूम है वो देख लेते हैं। वाशरूम में भी अच्छी टाइल और वैनिटी वगैरह अच्छी चीज़ें वाशरूम में भी लगी हुई हैं, और ये सारा ओपन एरिया है नीचे और ऊपर से सारा उसको हवादार रखने के लिए। ये आपको सीढ़ियाँ मिल जाती हैं, सबसे ऊपर छत है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आपको मम्टी मिलती है, यहाँ पे भी एक छोटा सा रूम टाइप सर्वेंट रूम या एक बड़ा स्टोर जिसे आप कह सकते हैं वो मिलता है। ये है जी ऊपर आपको छत मिलती है, ये मैं बात कर रहा था, ये सामने आपको मस्जिद मिलती है। ये सारा एरिया सेंट्रल पार्क है, ठीक है, और ये सारा यहाँ पे है जी ओपन एरिया। ये इस घर की बैक साइड है, और ये 3 मरले के अंदर है। अगेन मैं बता दूँ, ये अलहरम गार्डन है सेंट्रल पार्क के बिल्कुल साथ, ये 3 मरला है, और इसकी जो डिमांड है वो 60 लाख की जा रही है। यहाँ पे जो फ्लोरिंग का अगर क्वेश्चन है आपको तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इसके अंदर ऐड है या नहीं, अदरवाइज़ जो भी इसकी डिमांड है उसके अंदर कमी बेशी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह इसी तरह की किसी और वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।